निम्न में से कौन सा संगठन प्रत्येक वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता है? तो वो है वर्ल्ड बैंक। दूसरा क्वेश्चन, उदय योजना संबंधित है, ये ऊर्जा वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट, वित्तीय घाटे का मतलब है, तो इसमें सही है कुल राजस्व का कुल व्यय को कम करता है। किस राज्य का न्यूनतम घनत्व है? तो वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले किस रूप में जाना जाता था? ये तो जाना जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। मुद्रा क्या है? विकास और पुनर्वित्त एजेंसी है ये। किस राज्य ने जंक फूड पर फैट टैक्स का आयोजन किया है? तो वो है केरल। प्लान हॉलिडे किस वर्ष में शुरू हुई? प्लान हॉलिडे 1966 में शुरू हुई। अपने मूल रूप में मुद्रा परिवर्तनीयता अवधारणा किस में शुरू हुई? तो ये ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में शुरू हुई। इनमें से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो ये राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, और जिन्हें राष्ट्रीय ऋण माना जाता है वो है प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा नीतियाँ और दीर्घकालीन सरकारी बॉन्ड, ये राष्ट्रीय ऋण होते हैं। और जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र है ये राष्ट्रीय ऋण नहीं होता है। श्रम उत्पादकता में वृद्धि होने पर क्या होगा? तो इसमें श्रम का मांग वक्र सही दिशा में बदल जाएगा। किराया एक लागत जिसे देश के लिए भुगतान किया जाता है। जो किराया एक लागत है जिसे किसके भूमि के लिए भुगतान किया जाता है। अर्थव्यवस्था के किस प्रकार के साथ लेस सेज फेयर शब्द जुड़ा है? यानी लेस सेज फेयर शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। मूल सिद्धांत को अन्य किस नाम में रूप में जाना जाता है? तो मूल सिद्धांत किस रूप में होता है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट, प्रमुख उद्योग हैं बेसिक इंडस्ट्रीज। प्रमुख उद्योग जो होते हैं वो बेसिक इंडस्ट्रीज होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जीएम किन्स से सबसे निकट रूप से जुड़ी हुई है? वो है पूंजी की सीमांत क्षमता। इनमें से कौन सा आर्थिक समस्या नहीं है? खाली खर्च के अलग अलग तरीकों के बीच निर्णय करना, ये आर्थिक समस्या नहीं है। तो जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको देखते हैं। भुगतान कार्य और अवकाश के बीच निर्णय करना, ए विकल्प। बी विकल्प में एक समान और दूसरे पर व्यय के बीच निर्णय करना। तीसरा, सी, निजी बचत के वैकल्पिक तरीकों के बीच निर्णय करना। ये सभी क्या है? आर्थिक समस्याएं हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की बुनियादी सामाजिक बुनियादी ढांचे के मुख्य घटक क्या हैं? तो इसके जो मुख्य घटक हैं वो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं। ये अर्थव्यवस्था के बुनियादी सामाजिक ढांचे के मुख्य घटक है, वो है शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सुविधाएं। नेक्स्ट, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये उपरोक्त सभी पर निर्भर करता है, यानी प्राकृतिक संसाधन ए विकल्प, पूंजी निर्माण बी विकल्प, बाजार का आकार सी विकल्प, यानी तीनों विकल्प यहाँ पर सही है। हायर और फायर किसकी नीति है? तो यह है पूंजीवाद की नीति है। हायर और फायर ये पूंजीवाद की नीति, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। जब कीमतें लगातार गिरती हैं तो इस घटना को कहा जाता है, इस घटना को अपस्फीति कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश एक देश और शेष दुनिया के बीच के सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है, वो है भुगतान संतुलन। ये शब्द ग्रीन जीएनपी किस पर जोर देता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रीन जीएनपी तो आपको याद रखना, सतत विकास, यानी शब्द ग्रीन जीएनपी किस पर जोर देता है? ये सतत विकास पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके आधार पर किसी व्यक्ति के
वास्तविक स्तर का मूल्यांकन किया जा सकता है तो वो है प्रति व्यक्ति आय, यानी प्रति व्यक्ति के आय पर आधार पर किसी व्यक्ति के वास्तविक स्तर का मूल्यांकन किया जा सकता है। भारतीय कृषि की गणना किसके द्वारा की जाती है, वो है उत्पादविद, यानी भारतीय जो कृषि है उसकी गणना किसके द्वारा की जाती है, वो उत्पादविद है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रीय आय की गणना में तीनों विधियां उत्पादविद, आयविद और व्ययविद तीनों शामिल की जाती हैं, लेकिन कृषि की गणना में केवल उत्पादविद। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से तृतीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, वो बिजली और परिवहन है। मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। और कुछ इम्पोर्टेंट लगते हैं, एडम स्मिथ, ये इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं, इनकी पुस्तक है जो काफ़ी फेमस है, इनका नाम है वेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शास्त्रीय प्रणाली के अनुसार बचत किसका एक कार्य है, तो वो है आय, यानी शास्त्रीय प्रणाली के अनुसार मतलब बचत किसका एक कार्य है, वो है आय। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था संतुलित तब होती है जब सकल मांग से सकल आपूर्ति। नेक्स्ट, IMF निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसकी पूर्ति के लिए स्थापित किया गया था, तो सही विकल्प इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, तो देखते हैं सही विकल्प। पहला है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तीसरा है व्यापार में असंतुलन को कम करना। और चौथा है प्रतिस्पर्धी विनिमय मूल ह्रास से बचना। तो ये इसके महत्वपूर्ण कारण थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।